नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट। जैसा कि हमारी टैगलाइन है कि बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, और आज भी आपको बात पूरी सुननी होगी, क्योंकि बात है उस मुद्दे पर जो पिछले 3-4 दिन से पूरे देश की राजनीति को गरमाए हुए है। वो है कि हमारे उपराष्ट्रपति की बेइज्जती की गई उनकी मिमिक्री करके, और इसमें ना सिर्फ मिमिक्री करने वाले सांसद को लपेटा जा रहा है बल्कि पूरे ऑपोजिशन को लपेटा गया है, और कहा गया है कि अब इसको सीधा सीधा उपराष्ट्रपति के प्रोफेशन या उनके बैकग्राउंड और फिर उनकी जाति से जोड़ दिया गया। यानी अब कहा जा रहा है कि आपने जाट समाज और किसान की बेइज्जती की है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इसको तो वही बता सकता है ना जो खुद इसी समाज से आता हो। तो आज हमारे साथ कुछ एक ऐसे गेस्ट हैं जो ना सिर्फ किसान है बल्कि जाट भी है और किसान राजनीति में एक्टिव है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ठाकुर प्रवक्ता हैं। आपने उनको कई मंचों पे सुना होगा, मैंने भी सुना है। आज जो मेरे साथ हैं, बात करते हैं अभिमन्यु कौहड़ जी से, और आपकी स्क्रीन पर अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। अभिमन्यु जी, जी बहुत बाकी बहुत डिटेल धन्यवाद चीजें तो सर। बाद में बाकी डिटेल चीजें तो मैं बाद में बात करूंगा आपसे, लेकिन सीधा सीधा एक पहला सवाल तो मैं यही पूछ लेता हूं कि जो कि कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी की बेइज्जती मतलब किसान और जाट की बेइज्जती, क्या सही में ऐसा हुआ है? देखिए, ना तो जगदीप धनखड़ जी किसान समाज को कोई रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो कोई जाट समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो किसान समाज और जाट समाज के प्रतिनिधि होते तो जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, जिसमें 21 साल के वो नौजवान बच्चे भी शहीद हो गए जो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, 80-85 साल के बुजुर्ग भी शहीद हो गए, लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक शब्द तक नहीं निकाला। अभी 15 दिन पहले हरियाणा में भाजपा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक चुनावी सभा में कहते हैं कि जो ये किसान नेता है, जो ये आंदोलन करते हैं, इनकी बातें तो इनकी घर की बहू बेटी भी नहीं मानती, किसी की बहू भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किसान समाज के लिए बीजेपी के एक नेता ने किया। लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। 750 किसान जिस एमएसपी गारंटी कानून को बनवाने के लिए शहीद हो गए, आंदोलन खत्म हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने अब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, उस पे जगदीप धनखड़ जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। वो किसान समाज का अपमान था जब किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, खालिस्तानी कहा जा रहा था, उनकी बात सुनने की बजाय उनको नक्सलवादी कहा जा रहा था, उनके ऊपर लठ बरसाए जा रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और उसके बावजूद जो आज अपने आप को किसान समाज का नुमाइंदा कहते हैं, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जाट समाज की बात आती है प्रदीप जी, आज आज ही अभी ताजा खबर है, साक्षी मलिक जो ओलंपिक में जिसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, भारत के लिए मेडल जीता, माफ कीजिएगा, ओलंपिक कुश्ती में जिसने भारत के लिए मेडल जीता, आज उसने यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण से परेशान होके कुश्ती से अपना त्याग पत्र दे दिया और अपने रेसलिंग के जूते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्टेज के ऊपर रख दिए। जब ये पहलवान जंतर मंतर पे अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए बैठे थे, तो इनकी बातें सुनने की बजाय, इनकी मांग पूरी करने की बजाय, इनको सड़कों पर घसीटा गया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अगर हम अपने देश का पूरा इतिहास देखें तो आज तक हमने ओलंपिक में 20 से ज्यादा मेडल नहीं जीते होंगे, लेकिन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया, और उस समय ब्रजभूषण ने कहा कि ये विशेष जाति के लोग बैठे हैं। तो अगर जगदीप धनखड़ जी अपने आप को जाट समाज का नुमाइंदा मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं, तो जब ये पहलवान बैठे थे, ये किसान समाज से भी आते हैं, ये जाट समाज से भी आते हैं, लेकिन माननीय धनखड़ साहब ने एक शब्द तक नहीं बोला। अब हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में भाजपा के नेता खुलेआम धड़ल्ले से 35 बनाम 1 की राजनीति का नारा देके उस जाट समाज को अलग थलग करने की कोशिश पिछले 9 सालों से कर रहे हैं, जिस जाट समाज ने भारत के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी। तो जगदीप धनखड़ जी ने कभी ये नहीं बोला कि भाई ये भाजपा वाले समाज को बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। अगर उस समय ये कहा शब्द बोलते तो शायद आज इनको नुमाइंदा मान लेते। तो कुल मिला के प्रदीप जी, हकीकत ये है कि कुछ दिन पहले जो नू मेवात में घटना हुई थी, जहां भाजपा ने, भाजपा के सहयोगी संगठनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हिंसा फैलाने की साजिश रची थी,
तो इनको उम्मीद थी कि जाट समाज और किसान समाज हिंदू बनके इनके हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन किसान समाज ने, जाट समाज ने कहा कि हम चौधरी छोटू राम जी की उस बात को समझ गए हैं जो चौधरी छोटू राम जी कहते थे कि हे बोले किसान, दो बात ले मान, बोलना ले सीख, दुश्मन ले पहचान। तो किसान समाज उस दंगे से पूरे तरीके से दूर रहा, और जैसे ही किसान समाज की बिरादरियां उस दंगे से दूर रही तो बीजेपी आरएसएस जिन्होंने षड्यंत्र रचा था उस दंगे का, उनकी हवा निकल गई, उनकी हवा टाइट हो गई। तो इनको एक बात समझ में आ गई कि जो नॉर्थ इंडिया में इनका हिंदुत्ववादी कार्ड है वो इस किसान समाज के सहयोग के बिना वो चल नहीं पाएगा, इसीलिए अब ये किसान समाज और जाट समाज में सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी ये सारी कोशिशें पूरे तरीके से नाकाम साबित होंगी। अभिमन्यु जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन इससे दो सवाल निकलते हैं। पहला सवाल तो ये निकलता है कि अगर आपकी बात को हम सही माने तो फिर राकेश टिकैत क्यों फिर अलग हो गए, और दूसरी बात, दूसरा सवाल इसी से ये निकलता है कि मैं दोनों सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ कि क्या कहीं इसके जरिए आप जो किसान यूनियन जो एक साथ है जिन्होंने मोदी सरकार को पहली बार अपने कानून वापस लेने पर मजबूर किया, क्या आप लोगों को बीच में दो फाड़ करने की साजिश के तहत तो नहीं, या कोई इस तरह की कोई योजना तो नहीं लग रही आपकी? दोनों सवाल का एक साथ जवाब। देखिए प्रदीप जी, क्या है कि मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जो 378 दिनों का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो लड़ा गया था, वो 378 दिनों का ऐतिहासिक किसान आंदोलन किसानों की एकता के बलबूते पर जीता गया था। उस आंदोलन का नेतृत्व एक आम किसान कर रहा था। उस आंदोलन को जीतने का श्रेय उन 750 शहीद किसानों का जाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जो बॉर्डर पे तो आए थे लेकिन वापस अपने घर लौट के नहीं गए। उस आंदोलन को जीतने का श्रेय उन 5 लखीमपुर के शहीद किसानों को जाता है जिनको भाजपा के नेता ने अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल दिया। वो आंदोलन किसी नेता ने नहीं लड़ा, वो आंदोलन किसी संगठन ने नहीं लड़ा, नेता में हम भी आ गए। हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि उस आंदोलन का नेतृत्व हम कर रहे थे, हम तो एक नुमाइंदे थे, हम तो सेवक थे उस समाज के, समाज ने जो ड्यूटी लगाई हमने वो ड्यूटी करी। अगर सरकार को ये लगता है कि किसान नेताओं में कुछ मिसकंसेप्शन पैदा करके, कुछ कंफ्यूजन पैदा करके वो किसान आंदोलन को कमजोर कर देंगे, तो ये सरकार का एक गलत सोच है। वो आंदोलन किसानों ने जीता था, किसान आज भी एकजुट हैं, और आने वाले 2024 में फरवरी के आखिरी सप्ताह में देश भर से लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अभी हमारी बड़ी बड़ी 22 महापंचायतें हो रही हैं। पहली महापंचायत हमारी 26 नवंबर को उड़ीसा में हुई, उसके बाद 14 तारीख को हमारी लुधियाना में 50,000 से अधिक किसानों की महापंचायत हुई, उसके बाद मोगा में पंचायत हुई, कल हमारी केरला में पंचायत हुई, आज तमिलनाडु के चेन्नई में पंचायत हुई। तो किसान पूरे तरीके से एकजुट है और किसान मजबूती से आंदोलन लड़ेगा और अपने आंदोलन को जीतेगा। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं प्रदीप जी, आप हमें एक बात समझनी चाहिए, चौधरी छोटू राम जी ने 1939 में एपीएमसी एक्ट बनाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट बनाया, उन्होंने भाखड़ा बांध की नींव रखी, लेकिन आजादी को 77 साल हो गए, किसी भी सरकार ने चौधरी छोटू राम जी को भारत रत्न नहीं दिया। तो क्या छोटू राम जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? देश के एकमात्र किसानों के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमेशा किसानों के बारे में सोचा, चौधरी चरण सिंह, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन किसी ने उनको भारत रत्न के बारे में चर्चा भी नहीं करी। तो हकीकत यह है कि जब ये फंस जाती है ये राजनीतिक पार्टियां, तो ये सहानुभूति बटोरने की इनकी ट्रिक होती है, लेकिन अब जाट समाज, किसान समाज इनकी बातों में नहीं आने वाला है और मजबूती से आगे आंदोलन लड़े जाएंगे। तो फिर ऐसे में कौन सा, फिर आप ही के कुछ बीच में से कुछ लोग फिर धनखड़ जी के समर्थन में क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, किन्होंने बयान दिया, आप जरा नाम लेके बताइए किन्होंने बयान दिया? जैसे नाम आ रहा, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, इसी तरह से कुछ और है, पर अब कई संस्थाएं, जाट एसोसिएशन के नाम से ही कोई आया है जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव है, ये नहीं मालूम है जाट एसोसिएशन करके किसने संस्था बनाई है क्या है, लेकिन ये है कि किसान और जाट के नाम पे पूरी राजनीति जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों जगह खेली जा रही है। देखिए प्रदीप जी, एक बात मैं भी आपको कहूं, जो उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई वो मिमिक्री करना गलत था, वो जगदीप धनखड़ जी की बात नहीं है, ये मान सम्मान उस उपराष्ट्रपति पद का है क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है, तो उसकी मिमिक्री करना, उस पद का अपमान करना वो सरासर गलत था। टीएमसी के सांसद जो थे उन्होंने गलत किया, लेकिन जो अगले स्टेप में जाके भाजपा ने और स्वयं जगदीप धनखड़ जी ने उस चीज को जाट समाज से और किसान समाज के अपमान से जो जोड़ने की कोशिश करी वो भी गलत है।
हम ये कह रहे हैं कि जो उस समाज से जोड़ने का प्रयास किया गया वो सारी चीजें गलत हैं और इस तरीके का प्रयास सत्ता द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक आपने बात करी कई एसोसिएशंस की, देखिए ये एसोसिएशंस तो एक रात में कई एसोसिएशन बन जाती है, हजारों एसोसिएशन एक महीने में नहीं बन जाती है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सरकारी और दरबारी संगठनों की कभी कमी नहीं रही है। तो जो सरकारी और दरबारी संगठन है वो इस तरह के बयान देते होंगे। हम तो अपने हरियाणा में अक्सर एक कहावत सुनते आए हैं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट कभी किसी काम के नहीं होते। जाट ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात करी है, चाहे बात हो हरफुल जाट जुलानी वाले की, जब मुगलों के राज में बहुत सारे बूचड़खाने थे और गाय का कत्लेआम किया जाता था, ये समाज हमेशा प्रकृति प्रेमी रहा, तो उन्होंने हरफुल जाट जुलानी वाली ने बहुत सारे बूचड़खाने तोड़े। चाहे बात वीर गोकुला जाट की हो जिन्होंने ब्रज क्षेत्र में मुगलों की सेना को नाकों तले चने चबवा दिए थे, औरंगजेब ने स्वयं अपनी सेना उनसे लड़ने के लिए भेजी थी। चाहे उसके अलावा बात महाराजा सूरजमल जी की हो, जब अफगान और मराठों के युद्ध के बाद अफगान की सेना मराठी महिलाओं के साथ अपमान कर रही थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी इन महिलाओं की रक्षा के लिए आगे आएगा तो वो अफगानियों का दुश्मन हो जाएगा, तो उस समय महाराजा सूरजमल जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अपनी फौज उन महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उन महिलाओं की रक्षा के लिए भेजी थी। और उन्होंने, महाराजा सूरजमल ने कहा था कि महिलाओं के, माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए मैं कोई भी दुश्मनी लेने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने अपनी सेना भेजी उन महिलाओं के साथ और उस सेना ने उन महिलाओं को सुरक्षित महाराष्ट्र तक पहुंचाया। आज भी महाराष्ट्र में 23 से 24 जाटों के गांव बसे हुए हैं। तो जाट तो सामाजिक न्याय का प्रतीक रहा है, जाट तो सोशल जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाला रहा है। और मैं इससे भी आगे की बात कह दूं, बात सिर्फ जाट की नहीं है, कोई भी किसान कम्युनिटी है जो खेती करती है वो हर कम्युनिटी सामाजिक न्याय की प्रतीक रही है। आपने देखा होगा जब खेतों में कीड़ियां निकल जाती हैं, चींटियां निकल जाती हैं, तो किसान समाज के लोग अक्सर घर से आटा लेके जाते हैं जिसको चून भी कहते हैं, और वो चींटियों को भी खिला के आते हैं। किसान जब भी पहले अपना हल चलाता था तो वो कहता था ले राम का नाम। किसान जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो गली में जो कुत्ते हैं, जो अन्य प्राणी हैं, जो प्रकृति की देन है, उनको भी वो भोजन देता है। तो किसान समाज हमेशा सोशल जस्टिस का प्रतीक रहा है। और एक बात और कही जाती है प्रदीप जी हमारे यहां पे, कि जाट को जब मर्या मानियो जब वो संघी हो जाए। जाट कभी भी, जाट समाज के लोग आरएसएस से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, जो रियल में किसान है। पहले बहुत सारे लीडर ये बात कहते भी थे, पहले बीजेपी की जगह जनसंघ पार्टी होती थी जिसका दीपक का निशान होता था, तो किसान समाज के नेता अक्सर ये बात कहते थे अपने किसानों को, मजदूरों को, कि तुम हमसे नाराज हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती से भी कभी इन जनसंघियों का साथ मत देना। अब देखिए 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और 2011-12 में वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और कहा कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पर खरीद की गारंटी होनी चाहिए। 2011-12 में खुद एमएसपी पर गारंटी की बात माननीय मुख्यमंत्री 2011-12 के मोदी साहब करते थे, लेकिन 2014 से 2023 आ गया, 2024 का चुनाव आने को है, लेकिन उन्होंने सत्ता में होने के बाद एमएसपी गारंटी कानून पे कुछ भी नहीं किया। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया था कि जो भी राज्य सरकारें अपने किसानों को फसलों पर बोनस देंगी उन राज्य सरकारों से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। यानी जो फसलों पे बोनस मिलता था स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से किसानों को, वो मोदी साहब ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही बंद करा दिया था। ये वही मोदी साहब हैं जो 2014 में अध्यादेश लेके आए थे भूमि अधिग्रहण का, 3 बार लेके आए थे, लेकिन राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, किसानों ने आंदोलन किया, उसके कारण वो इनका अध्यादेश गिर गया था। और वो अध्यादेश में क्या था, इनके आने से पहले 2013 में यूपीए की सरकार ने थोड़ा एक बेहतर भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था जिसमें ये क्लॉज थे कि किसानों की जमीन लेने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति लेना जरूरी है, किसानों को कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा प्लस ब्याज मिलेगा। वो 70% किसानों की सहमति का प्रावधान और कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजे का प्रावधान हटाने के लिए मोदी साहब 3 बार अध्यादेश लेके आए थे, क्योंकि मोदी साहब की कॉरपोरेट लोगों से बहुत अच्छी खासी दोस्ती है और कॉरपोरेट लॉबी ये चाहती है कि किसानों की जमीन सबसे
सस्ते और औने पौने दामों पे कॉरपोरेट कंपनियों को मिल जाए। तो जब वो राज्यसभा में उसको पास नहीं करा पाए तो मोदी साहब ने कहा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं में पास करें। जैसे 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में वो कानून पास कर दिया गया, और अभी यहाँ पे जमीन एक्वायरमेंट करते समय किसानों की सहमति नहीं ली जाती, किसानों को कलेक्ट्रेट से 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता, और उसके खिलाफ जगह जगह हमें आंदोलन लड़ने पड़ रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाह रहा हूं प्रदीप जी, किसान समाज जाट समाज वो एकजुट है, वो सामाजिक मुद्दों पे अपने आंदोलन लड़ेगा, वो इस तरीके की उलूल जुलूल बातों पे कि भाई ये अपमान हो गया फलाना धमका, वो इन बातों पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अंत में एक बात और कहना चाह रहा हूं, 2016 में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में 32 नौजवानों की हत्या कर दी गई। मैं हत्या शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा 32 नौजवानों की हत्या कर दी गई। उस समय ये भाजपा के तथाकथित जाट नेताओं ने एक शब्द तक नहीं बोला था, और आज ये कहते हैं कि हम जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये आपने आपको जाट समाज का प्रतिनिधि मानते तो उस समय इनको अपनी बातें कहनी चाहिए थी। अगर ये अपने आपको किसान समाज का प्रतिनिधि मानते हैं तो 2020-21 में जो 378 दिनों तक ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन में इनको अपनी जुबान खोलनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं खोली। जी जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, एक पर्सोना बना हुआ है कि जो जाट होते हैं वो बड़े वो होते हैं, बड़े ड्राई होते हैं, बड़े जो है रोबीले होते हैं, बड़े उससे बात करते हैं। लेकिन नहीं, मुझे सौभाग्य मिला, 13 साल मैं हरियाणा की गली गली कूचे कूचे कवर किया, एक रिपोर्टर के तौर पे घूमा मैं 1997 से लेकर 2010 तक। मैंने जो पाया हरियाणा का गली कूचा घूम के सारा, कि जो जाट समुदाय है वो सबसे खूबसूरत है और सबसे सौम्य है। खूबसूरत इसलिए कि आप दूर से देख के बता सकते हो कि ये जाट है, उसका जो ढील डॉल होता है वो ढील डॉल सबसे अलग मिलता है आपको। इसीलिए हमारे देश में पहलवान आप देखते हैं, इतने पहलवान हरियाणा से निकलते हैं, जाट कम्युनिटी से होते हैं। एक तो ढील डॉल इसलिए खूबसूरत मुझे लगा, और दूसरा जाट जो बोलता है वो दिल में नहीं रखता, जो है जबान पे है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, चंडीगढ़ से उनके साथ हम गए, लोकसभा चुनाव की जो है वो तैयारी, चुनाव प्रचार था। तो एक जाट बुजुर्ग ने साफ कहा था, भूपी कह के मुझे अच्छी तरह याद है, कहा था रहे भूपी अगर मेरे गांव की गली पक्की नहीं हुई तो अगली बार वोट मांगने मत आई हो। ये है जाट, जो बोलता है मुंह पे बोलता है। और तीसरी बात मैं ये भी बता दूं अपने एक्सपीरियंस में, जाट ने अभी तक मेरे हिसाब से ज्यादातर तीन ही नेताओं को माना है। एक है सर छोटू राम जिनका नाम लिया कोर्ट साहब ने, एक है चौधरी चरण सिंह जी, और तीसरे थे देवीलाल। इसके अलावा मेरे हिसाब से अभी तक जाट ने किसी को वैसा लीडर नहीं माना है अभी तक। अगर मैं सही गलत हूं तो कोर्ट साहब आप मेरे को सही कीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कोर्ट साहब कि फिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी को ये अचानक जाटों की और किसानों की याद क्यों आने लगी, क्यों उन्हें लगा कि अब इस बहाने इनको जो है अपनी तरफ साधने की कोशिश की जाए। क्या अभी जो राजस्थान के चुनाव हुए हैं उसमें जाटों ने बीजेपी के साथ नहीं दिया, क्या वो वजह लग रही है, या लग रहा है कि 2024 में डर है कि राजस्थान के बाद हरियाणा भी जा सकता है, हरियाणा में सत्ता बदल सकती है और लोकसभा में भी जाट या किसान हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या ये डर की वजह से लग रहा है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है? देखिए दो कारण है, ये जो दिल्ली के आसपास का जो एक क्षेत्र है जहां पे किसान समाज के लोग ही बसते हैं, जाट समाज के लोग ही बसते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे मुगलों का राज रहा हो, चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो, या उसके बाद ये हमारे काले अंग्रेज आ गए हों, जाटों ने किसानों ने कभी किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की। जो बीजेपी आरएसएस जो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे थे कि हम कॉरपोरेट घरानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराएंगे, जो वो एजेंडा लेके चल रहे थे, जो अडानी के बड़े बड़े साइलोज बना दिए थे, तो उनका एजेंडा ये था कि ये सारी जमीनें लेके हम कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे और सारी खेती फिर कॉन्ट्रैक्ट पे कराएंगे। क्योंकि प्रदीप जी एक बात का ध्यान देना जरूरी है, कोरोना के समय में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 24% घट गई थी, सारी मिले, सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनियां, सब सर्विस सेक्टर बंद हो गए थे, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसने 3.6% की दर से, पॉजिटिव दर से ग्रोथ करी थी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जर्मनी जाके कहते हैं ना भाषण में कि हमारे पास अनाज के इतने भंडार भरे हैं कि हम भारत को ही नहीं, हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ये किसानों के पुरुषार्थ और किसानों की मेहनत के कारण ही संभव हुआ। जब कोरोना के दौरान कोई अपना घर में निकलने, बाहर निकलने से भी डरता था
उस समय किसानों ने खेतों में जाके अपनी गेहूं की कटाई की, उसको मंडी में लेके आए, तब जाके हमारे गेहूं के गोदाम भरे थे। तो किसानों ने जो ये कॉर्पोरेट हितैषी भाजपा की नीति थी उसको पूरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि उसको पूरे तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया, पहली बात। और किसान आंदोलन के बाद तो किसान समाज, खासकर उत्तर भारत का किसान समाज, भाजपा से पूरे तरीके से नाराज है। दूसरी बात, जैसा मैंने शुरू में कहा, जो ये किसान कम्युनिटियां हैं इनका इस्तेमाल भाजपा और आरएसएस जैसे लोगों द्वारा हमेशा से किया गया। जब भी कोई दंगा होता है, जैसे आप उदाहरण लीजिए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, पहले वो हिंदू मुसलमान के नाम पे शुरू करवाया गया, लेकिन जैसे ही वो दंगा हुआ फिर उसको रूप दे दिया गया जाट वर्सेस मुसलमान का। तो जो वहां किसानों की एकता थी उसको हमेशा के लिए भंग कर दिया गया और भाजपा उस पूरी साजिश में सफल हो गई। जबकि अब भाजपा को ये लगता है कि किसान आंदोलन के बाद से किसानी जातियों का, जो किसानी बिरादरियां हैं, उनका भाईचारा दोबारा से बढ़ गया है। अब उसको तोड़ने के लिए, अब उसको उसको कमजोर करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैंने जैसे शुरू में बताया था, नू मेवात वाली घटना में जिस तरीके से किसानों ने भाईचारे का पैगाम दिया, जाट कम्युनिटी ने भाईचारे का पैगाम दिया, वहां से बीजेपी वाले आरएसएस वाले बौखला गए हैं। तो इसीलिए अब ये किसी भी तरीके से जाट समाज और किसान समाज में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो पाएंगे। इनका जो 2014 में एक बार गोदी मीडिया के प्रचार के कारण लोग बहक गए थे, अब तो मुझे लगता है, मैं अभी जैसे आज मैं तमिलनाडु में हूं, कल मैं केरल में था, और लगातार हम तमाम राज्यों में जाते हैं, तो लोगों में भारी भरकम नाराजगी है। अब केवल गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जो इनका साथ देते हैं, जो इनका प्रचार करते हैं, अदरवाइज चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे खेतीबाड़ी का विषय हो, चाहे अर्थव्यवस्था का विषय हो, सारे मुद्दों पर यह सरकार फेल हो गई है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो वो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे। 2022 में संसद के अंदर एक सांसद ने सवाल पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, 8 साल आपकी सत्ता को हो गए, उस समय 8 साल हो गए थे दिसंबर 2022 में, आपने 8 सालों में कितने नौजवानों को नई नौकरियां दी? तो संसद के अंदर सरकार का ही जवाब था कि हमारे 8 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ बच्चे बच्चियों ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन 22 करोड़ में से मात्र 7,22,000 को ये नौकरी दे पाए। 8 सालों में 7,22,000 को। हमारे देश में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम आंकड़े पर पहुंच गई है। मात्र जितने बच्चों ने फार्म भरा उसमें से मात्र 0.3% को ही ये नौकरी दे पाए, यानी हर 300 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को नौकरी मिली। तो कुल मिलाकर सरकार फेल हो गई है और अब सरकार किसी भी तरीके से कोई हथकंडा अपना के एक वो सहानुभूति बटोरना चाहती है जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभी मन्नू जी, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, देखिए आपने भी बीजेपी की बात की और भी जितनी भी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब से आपका किसान आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है, आपने सरकार को मजबूर किया अपने कानून वापस लेने में, उसके बाद सभी लोग आप लोगों को एक वोट बैंक की तरह देखने लगे हैं, उसी एंगल से सब लोग आपको जो है वो ट्रीट करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है जो आपको वक्त आने पर अपना बना लेती है, वक्त आने पर आपको आंदोलन जीवी कह देती है, और जिस तरह आपने एक मुजफ्फरनगर का भी एग्जाम्पल दिया कि जाट वर्सेस किस तरह से आपको आपकी कम्युनिटी को जो है वो एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या ओवरऑल आपको लगता है कि सभी पार्टियां एक ही सोच पे आप लोगों को निशाना बनाती है? देखिए प्रदीप जी, ये हमारे देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो विपक्ष में होती है तो वो किसान हितैषी होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो कॉरपोरेट हितैषी हो जाती है। 2007 में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था किसानों को कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट कॉस्ट यानी C2 में 50% जोड़ के उनको फसलों का भाव दिया जाए। 2007 से 2014 तक UPA यानी कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से उस रिपोर्ट को लागू करूंगा, उन्होंने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पे एफिडेविट दे दिया कि हम उस रिपोर्ट को लागू ही नहीं कर सकते, हमें वित्तीय घाटा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 2014 से 2023 के बीच में उन्होंने 9 सालों में कॉरपोरेट घरानों का 14,53,000 करोड़ रुपया NPA कर दिया गया, यानी पट्टे खाते में डाल दिया गया, तो उस समय उनको वित्तीय घाटा नहीं हुआ। लेकिन किसान के कर्जे की माफ करने की बात आती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने की बात आती है, तो कहते हैं वित्तीय घाटा हो जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन भाजपा क्या करती है? भाजपा तो बहुत ज्यादा किसान विरोधी और कॉरपोरेट हितैषी पार्टी है।
मान लीजिए पहले वाली अगर कॉर्पोरेट हितैषी का काम पहले वाली पार्टी मान लीजिए 20% करती थी, तो ये अब उसको बढ़ा के 90% तक कर रहे हैं। तो नीतियां लगभग एक है, नीतियां सबकी WTO की हितैषी हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चलती है इनकी नीतियां, धड़ल्ले से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली सरकारों में क्या होता था, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता जो 1979 में सरकार आई थी वो रही हो, या इवन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, उन सरकारों के दौरान किसान समाज की सुनी जाती थी। वो मांगों को पूरा करते थे या नहीं करते थे प्रदीप जी वो अलग विषय है, लेकिन वो कम से कम सुनते थे कि भाई आप भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा हो, आप भी बताइए आप क्या कहना चाहते हो और हम आपकी बात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो वर्तमान मोदी सरकार है, इसने तो किसान को एक तरीके से साइडलाइन ही कर दिया। इनको तो ये लगता है कि जैसे कोई किसान इनका बहुत बड़ा दुश्मन हो और ये लगातार किसानों के खिलाफ ही नीतियां बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय एक किसान समाज की जन चेतना का समय है। जो 378 दिनों तक आंदोलन चला, जिसमें आंदोलन की ट्रेनिंग हुई लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, उसने एक शहर में बैठे व्यक्ति को भी एहसास करा दिया कि जो उसके घर में उसकी डाइनिंग टेबल पे जो प्लेट में खाना आ रहा है वो किसी फैक्ट्री या मशीन से नहीं, वो उस किसान के खेत से आ रहा है जो 0 डिग्री के तापमान में भी खेती करता है, पानी की सिंचाई करता है, जब हार्ड कपाने वाली सर्दी में भी वो खेती करता है, वो गर्मी में जब लू चलती है जब भी वो खेत में मेहनत करता है और धरती माता का सीना चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। एक शहर में बैठे व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि एक समय 1970 में जब 1971 का युद्ध चल रहा था जिसमें भारत ने, हमारी फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम भारत को अनाज भेजना बंद कर देंगे, तो उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के दौरान जब नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उसके बाद किसानों ने इतनी मेहनत करी कि आज हम सरप्लस हैं और आज हम सैकड़ों मुल्कों को अनाज भेज रहे हैं, इसका श्रेय हमारे देश के जवानों को और किसानों को जाता है। जी अभिमन्यु जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सिग्नल फ्रीज जी, मुझे आपकी आवाज मिल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है सर। जी 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 अभिमन्यु जी, आपने लास्ट में जो जिक्र किया लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, देखिए क्या इस देश की वो है कि जहां जय जवान जय किसान का नारा चलता था, उसी देश में एक और भी कहावत है, अगर नहीं पता किसी को मैं बता दूं, कि जहां कहते हैं जहां सामने खड़ा हो जाट तो दुश्मन की खड़ी हो जाती खाट। तो ऐसे देश में आज ये दो कम्युनिटी को मिला के, क्योंकि एक प्रोफेशन है जाट है तो किसान ऑटोमेटिकली हो जाता है, इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए और इस्तेमाल किया जा रहा है अपने कुछ फायदे के लिए। ये इस देश की दुर्भाग्य है कि आज हमारी राजनीति स्तर पर पहुंच गई है। पर मजा आज बात का यह है कि अभिमन्यु कुहर जैसे दमदार बोलने वाले से बातचीत हुई, पहली बार हमारे चैनल पे आए, खुल के बात रखी आपने, इसके लिए अभिमन्यु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, दोबारा इसी तरह से आप अपने बेबाक जो अंदाज है इसको कायम रखिएगा और देश को अच्छा एक किसान नेता आने वाले समय में मिल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रदीप जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं जो आप सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं इस मीडिया के इस दौर में जहां सब अधिक से अधिक चैनलों में सरकारी और दरबारी बनने की होड़ लगी हुई है, आप वहां समाज की एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोबारा से जब मौका मिलेगा आपसे जरूर बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सभी दर्शकों को आपको हाथ जोड़ के नमस्कार जी। जी अभिमन्यु जी एक चीज और दर्शकों को मैं बता दूं, देखिए संचार का क्या फर्क है कि कहते हैं ना पिछली सरकारों ने क्या किया, संचार क्रांति पिछली सरकारों में ही, मैं हिमाचल में बैठा हूं इस वक्त, आप पहनाव से देख रहे होंगे, और अभिमन्यु जी बैठे हैं तमिलनाडु में, एक कोने से दूसरे कोने, लेकिन हम एक मंच पर बात कर रहे हैं। ये जो क्रांति है ना, ये इस सरकार की नहीं है, पिछली सरकार की है। नमस्कार। नमस्कार।